हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पार्लर स्टाइल आइसक्रीम प्रीमिक्स का वीडियो लेकर आई हूँ। प्रीमिक्स के साथ साथ मैं आपको प्रीमिक्स आइसक्रीम किस तरह से बनाएंगे वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप होल शुगर ले ली है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून GMS पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर लिया है और CMC पाउडर लिया है मैंने 1/4 TSP। यह आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी पार्लर स्टाइल बनकर रेडी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 TSP ही CMC पाउडर लेना है। तो अब आपको एक मिक्सर का जार ले लेना है, इसमें 1/2 कप शुगर जो हमने ली है पहले, 1/2 कप शुगर डाल देना है आपको, 2 टेबल स्पून जो हमने लिया था मिल्क पाउडर वो डाल देना है, 2 टेबल स्पून GMS पाउडर और 2 ही टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मिल्क पाउडर और GMS की क्वांटिटी आपको बिल्कुल सेम लेनी है और 1/4 TSP आपको GMS पाउडर ले लेना है और इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है आपको। और यह हमारा बेसिक जो प्रीमिक्स होता है वह बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है इसे मिक्सर में पीसने के बाद। इससे आप 50 से 100 तरह की कितने भी फ्लेवर्स में आइसक्रीम आराम से बना सकते हैं इस प्रीमिक्स से। देखिए प्रीमिक्स हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमें आइसक्रीम का बेस बनाना है। यह फुल फैट मिल्क ले लिया है मैंने 1/2 लीटर, 1/2 लीटर की आपको फुल फैट मिल्क की दूध की थैली लेनी है और इसे जिस बर्तन में भी आपको आइसक्रीम का बेस बनाना है, हैवी बॉटम होना चाहिए जिसमें कि दूध आपका जले ना। और जो प्रीमिक्स हमने बनाया था वो पूरा प्रीमिक्स आपको इसमें डाल लेना है और आइसक्रीम जो है वो बहुत सॉफ्ट क्रीमी बिल्कुल मार्केट स्टाइल पार्लर स्टाइल बनकर रेडी होती है। और 1/2 लीटर दूध में आपकी 2 से 2.5 लीटर आइसक्रीम आराम से बनेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून से, उसके बाद आपको इसको गैस पर रखना है। लम्ब्स थोड़े बहुत रह जाएंगे चलेंगे, जब हमारा दूध मेल्ट होगा तब यह लम्ब्स भी उसके साथ में मेल्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में आपके सारे लम्ब्स जो है वह दूध में मेल्ट हो जाएंगे। देखिए इसे कंटिन्यूस चलाते हुए आपको इस दूध को पकाना है। देखिए सारे जो हमारे लम्ब्स थे वह मेल्ट हो गए हैं और इसे इसी तरह चम्मच की सहायता से आपको हिलाते हुए आपको चलाते हुए ही पकाना है। दूध में बिल्कुल भी मलाई आपको नहीं देने आनी है। अगर दूध में मलाई आ जाएगी तो आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स आ सकते हैं, इसलिए आपको दूध में मलाई नहीं आने देना है। देखिए अब दूध में बॉईल आ जाए, जब एक बॉईल आ जाए तो उसके बाद 10 सेकंड तक आप काउंट करिए, 1 से 10 तक की आप गिनती गिनिए और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। देखिए एक उबाली आने के बाद आपको दूध को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करना है। अब इसे कंटिन्यूस इसी तरह से चलाते हुए आपको ठंडा करना है। एक उबाली आने के बाद आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। देखिए कंटिन्यूस इसे इस तरह से चलाते हुए ही आपको ठंडा करना है। अब देखिए हमारा जो मिश्रण है वह ठंडा हो गया है। अब एक बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में, जहां बर्फ़ जमाते हैं वहां पर आपको इसे 4 से 5 घंटे के लिए इस बेस को रख देना है। यह हमारा भी बेस बना है। इससे आइसक्रीम किस तरह से बनाएंगे वह आपको बताऊँगी मैं। देखिए इसे फ्रीज़र में आपको 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। इस तरह से हार्ड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। देखिए इस तरह से अब इसे नाइफ़ की सहायता से आपको कट कर लेना है और थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इसे, थोड़ा सा सॉफ्ट। आप चम्मच से इसे स्कूप करके इस तरह से देखिए सॉफ्ट करके आपको बीटर में डालना है, क्योंकि अगर आप इतना हार्ड बीटर में डाल दोगे या बीटर में बीट करोगे तो आपके बीटर पर लोड पड़ सकता है, आपका बीटर ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद बीटर में डाल रही हूँ। मेरा हैंड बीटर जो है वो ख़राब है अभी। आप हैंड बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरा हैंड बीटर ख़राब है इसलिए मैं स्टैंड बीटर में इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए डालने के बाद इसे 2 की स्पीड पर मैंने इसे सेट किया है और इसे बीट कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट के लिए आपको बीटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। मिक्सर में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ बन जाता है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप मिक्सर में भी इसे मिक्स कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम देखिए, आप 1/2 लीटर दूध से 2.5 लीटर आपका जो बेस है वह बनकर रेडी होता है। देखिए ये मेरा 3 लीटर का बाउल है, 3.2 लीटर का ये मेरा बाउल है और देखिए कहाँ तक का भर गया है ये आइसक्रीम बेस से। देखिए अब यहाँ जब इसकी यहाँ तक कंसिस्टेंसी आ जाए, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में जब ये आ जाए, तब आपको इसमें 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, या घर व्हिप क्रीम ना हो आपके पास तो घर की मलाई या फ्रेश क्रीम का भी आप यूज़, अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास व्हिप क्रीम थी तो मैंने उसका यूज़ किया। क्रीम का यूज़ कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर बिल्कुल पार्लर जैसा टेक्स्चर पाना चाहते हैं अपने आइसक्रीम में तो आपको क्रीम का यूज़ करना पड़ेगा।
देखिए क्रीम यूज़ कर क्रीम डालने के बाद 5 से 6 मिनट आपको बीटर को चलाना है। उसके बाद हमारा बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, क्रीमी टेक्सचर आ गया है बिल्कुल हमारे उसमें। अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए गनाश किस तरह से बनाएंगे मैं वो बता रही हूँ आपको। यह मैंने 80 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, उसमें मैंने 40 ग्राम जो है व्हिपिंग क्रीम डाल के उसे माइक्रोवेव कर लिया है। देखिए माइक्रोवेव करने के बाद हमारा जो गनाश है वह बनकर रेडी है, तो इसे हम आगे चॉकलेट आइसक्रीम में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम, और मैंगो आइसक्रीम में मैं मार्बल फ्लेवर इफ़ेक्ट किस तरह से देते हैं वह बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 2 बाउल में मैंने ट्रांसफ़र किया है। और दोनों बाउल में मैं मैंगो का जो क्रश आता है होल क्रश जिसमें मैंगो के चंक्स भी रहते हैं वह मैंने लिया है। अगर आपके पास ना हो ये तो आप इमल्शन मैंगो इमल्शन जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो इमल्शन नहीं था इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। अब मार्बल इफ़ेक्ट किस तरह से देंगे वह बताऊँगी मैं आपको। देखिए एक बाउल में आपको जो मैंगो कलर आता है एग येलो कलर में डाल रही हूँ, इसमें एग येलो कलर भी बिल्कुल मैंगो जैसा ही लगता है इसलिए मैं एग येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ऑरेंज और येलो कलर भी मिक्स करके इसका ये शेड बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल मैंगो का कलर आ गया है हमारा। इस आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आते, तो आप कोई भी कंटेनर में इसे सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एयर टाइट कंटेनर ही होना। देखिए मैं प्लास्टिक के कंटेनर में इसे सेट कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा वाइट बेस डाला, फिर उसके ऊपर मैंने येलो बेस थोड़ा सा डाला। तो इस तरह से आपको मार्बल इफ़ेक्ट देना है आइसक्रीम में। बिल्कुल भी आपके आइस क्रिस्टल्स नहीं आने वाले हैं, तो आप उससे बेफिक्र रहें कि आपको एयर टाइट कंटेनर में ही जमाना है। आप बिल्कुल बिना लिड के बॉक्स में भी इसे जमा सकते हैं, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आते हैं। इस तरह से अगर आप आइसक्रीम जमाएंगे तो बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। और यह प्रीमिक्स आप बना करके सेल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से डाल देना है आपको। अब यह मैंगो का येलो कलर डाल दिया मैंने, एक बार येलो कलर डाला, एक बार वाइट कलर डाला है। इस तरह से सारा बैटर मैंने डाल लिया है। अब इसमें स्पून की सहायता से ही इस तरह से एक मिक्स दे देंगे। यह हमारी मार्बल आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे साइड में रख देंगे। सेकेंड फ्लेवर बनाएंगे अब हम, तो सेकेंड फ्लेवर के लिए बाउल मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं सेकंड फ्लेवर के लिए बेस निकाल लूँगी जितना मुझे चाहिए सेकंड फ्लेवर के लिए। सेकंड फ्लेवर मैं बनाने जा रही हूँ अमेरिकन नट। तो अमेरिकन नट आइसक्रीम किस तरह से बनाएंगे वह बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले अमेरिकन नट आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे हुए काजू बादाम मैंने डाले हैं थोड़े, और इस तरह से जो जेली आती है यह अमेरिकन नट आइसक्रीम आप मार्केट में खाएंगे तो आपको यह जेली इसमें मिलती है, तो इसे भी कट करके आपको चाकू की सहायता से कट करके आपको इसे छोटे छोटे पीसेस में आइसक्रीम में डाल लेनी है इस तरह से। देखिए ये भी मैंने डाल ली है इस तरह से आइसक्रीम में। अब थोड़े से टूटी फ्रूटी में डालूँगी इसमें, देखिए मिक्स कलर में टूटी फ्रूटी है मेरे पास, वो भी मैं इसमें डालूँगी। अमेरिकन नट में यह सारी चीज़ें डलती है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं डाल रही हूँ, और थोड़े चोको चिप्स डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अमेरिकन नट का मेरे पास एसेंस है, एसेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं 4 से 5 बूंद ही डालूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप पहले स्मेल कर लीजिए आपका एसेंस अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप आधा ढक्कन के करीब एसेंस डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे बाउल में डाल दिया है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगे इस आइसक्रीम में। बहुत से लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि उनके जो ड्राई फ्रूट्स वो आइसक्रीम में डालते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके साथ हमेशा ही ऐसा होता है तो आप पहले 1 घंटे आइसक्रीम को सेट कर लीजिए और उसमें ड्राई फ्रूट्स ना डालिए, और 1 घंटे सेट करने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट डाल के आप चम्मच से उसे मिक्स कर दीजिए, तो आपके ड्राई फ्रूट जो है वह नीचे नहीं बैठेंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है अमेरिकन नट आइसक्रीम को, जो भी हमने अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले थे वह ऊपर थोड़े से डाल दिए हैं मैंने। अब यह भी हमारा रेडी है, इसे भी ढक्कन लगा के हम साइड में रख देंगे। थर्ड फ्लेवर में बना रही हूँ पिस्ता फ्लेवर। देखिए तो पिस्ता फ्लेवर मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं जो लास्ट का जो बैच बनाऊँगी वह पूरा मैं चॉकलेट आइसक्रीम का ही बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने पिस्ता आइसक्रीम थोड़ी ली है। तो इसमें 4 से 5 ड्रॉप मैंने पिस्ता एसेंस डाल दिया है, और इसमें ग्रीन
कलर और येलो कलर की एक एक ड्रॉप डाली है मैंने जेल कलर की। आपके पास लिक्विड कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे। देखिए पिस्ता कलर जो है हमारे आइसक्रीम में बिल्कुल आ गया है। अब हम इसे भी एक कंटेनर में डाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से एक प्लास्टिक के कंटेनर में। आप किसी भी कंटेनर में इसे सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे भी कंटेनर में डाल लेंगे हम। और पिस्ता आइसक्रीम है तो इसे पिस्ता से हम गार्निश करेंगे। थोड़े से पिस्ता की जो फ्लेक्स आती है मैंने वो डाल दिए, इस तरह से पिस्ता की फ्लेक्स डाल दिए मैंने। और थोड़े से काजू बादाम भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। इसका भी ढक्कन लगा के हम रख देंगे। अब फोर जो लास्ट में हम बैच बना रहे हैं वह बना रही हूँ मैं चॉकलेट आइसक्रीम का। तो चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए पहले पूरी क्रीम को हम इकट्ठी कर लेंगे जो बाउल में इधर उधर लगी है। उसके बाद जो हमने गनाश बनाया था, जो मैंने पहले आपको बताया था किस तरह से मैंने बनाया, वह पूरा गनाश 80 ग्राम चॉकलेट से मैंने गनाश जो बनाया था वह पूरा इसमें इस बैटर में डाल देंगे। देखिए पूरा गनाश मैंने इस बैटर में डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स देंगे। बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर हमारी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी होती है, क्योंकि हम मार्केट से जो आइसक्रीम प्रीमिक्स भी लाते हैं तो उससे भी इतना अच्छा कलर आइसक्रीम का नहीं आता है। मैंने वो भी ट्राई की है लेकिन नहीं आता है। लेकिन गनाश से अगर आप इस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा चॉकलेटी कलर आया है आइसक्रीम में और दिखने में भी बहुत सुंदर। और सबसे ज़्यादा टेक्सचर भी इस आइसक्रीम का बहुत अच्छा आया था। चॉकलेट आइसक्रीम का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया था। देखिए अभी इसे टैप कर देंगे और थोड़े से ऊपर से मैं चोको चिप्स से इसकी गार्निशिंग करूँगी। चॉकलेट आइसक्रीम का बैटर ज़्यादा था इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक कंटेनर में डाला है, क्योंकि वो ये छोटे वाले कंटेनर में इतना बैटर नहीं आ पाता इसलिए मैंने इसे बड़े कंटेनर में डाला है। देखिए चारों आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी है। अभी इसे हम डीप फ्रीज़र में रात भर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। रात भर सेट होने के बाद देखिए मॉर्निंग में मैंने इसे निकाला और आइसक्रीम का टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स 1% नहीं आया है। और मैं आपको स्कूप करके भी बताऊँगी कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। देखिए स्कूपर से बिल्कुल आसानी से स्कूप हो रही थी हमारी आइसक्रीम और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगी है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई आइसक्रीम। तो फटाफट से जाइए बनाइए और अपनी फैमिली को सभी को खिलाइए। अब आपको मार्केट से आइसक्रीम प्रीमिक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको आइसक्रीम बनाना सिखाया है और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी और बिना आइस क्रिस्टल के यह आइसक्रीम आपकी बन करके रेडी होगी। देखिए यह मार्बल इफ़ेक्ट जो हमने दिया था वो भी बहुत सुंदर लग रही है। हमारी मैंगो आइसक्रीम भी, यह अमेरिकन नट का भी मैंने निकाला। बहुत स्कूप बिल्कुल आसानी से हो रहा था स्कूप आइसक्रीम और टेक्सचर बहुत अच्छा आया आइसक्रीम का। मुझे तो बहुत पसंद आई यह आइसक्रीम, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो वीडियो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बनाई है लेकिन मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। देखिए बहुत अच्छी लग रहा था टेक्सचर। देखिए आप आइसक्रीम्स का, सभी आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए आप, बहुत अच्छा। बिल्कुल मार्केट में जो पार्लर स्टाइल आइसक्रीम होती है वही टेक्सचर आया था।